नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का शेयर शिवम में। राष्ट्रीय नशा के तौर पे अगर देखा जाए कि वो कौन सा पदार्थ है, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो होता है चाय का, क्योंकि हर घर में सुबह उठते ही चाय बनती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना चाय पिए फ्रेश होने भी नहीं जाते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पानी पीने के बाद चाय पीते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पानी भी नहीं पीते हैं, पहले चाय पीते हैं ताकि उनको एनर्जी मिले। ऐसा उनको लगता है कि एनर्जी मिलती है और नींद टूट जाती है। तो जिस चाय की मैं बात कर रहा हूँ, आपके घर में जब चाय पत्ती खत्म हो जाती है तो लोग कहते हैं कि चाय पत्ती लेके आना है। और आपके घर में क्या इस तरीके की पत्ती आती है? नहीं आती होगी, क्योंकि आपके घर में जो चाय पत्ती के नाम पे केमिकल आता है वो आपको नुकसान करता है। मेरे आप पीछे देखेंगे तो ये पूरा का पूरा चाय का बगान है सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल के। ये पूरा चारों तरफ, इधर भी अगर आप देखेंगे, ये देखिए, तो वो पूरा का पूरा चाय का बगान है। यानी कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ किलोमीटर दूर तक चाय की बगान है, और वहाँ पे ये लोग चाय की पत्ती तोड़ रहे हैं, फिर इसको सुखाएंगे। सुखाने के बाद कोई कंपनी वाला लेगा, उसको मॉडिफाई करेगा, उसको केमिकल प्रोसेस द्वारा तैयार करेगा, फिर वो आपके यहाँ आपके घर पे पहुँचती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि अगर चाय छोड़ दिया जाए तो बहुत सारी बीमारियाँ आपके परिवार से और आपके जीवन से खत्म हो सकती हैं। लेकिन रही बात चाय पत्ती की, तो मैं अभी दार्जिलिंग में ऊपर था और मैं एक रेस्टोरेंट में गया चाय पीने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे सामने केतली में गर्म पानी रख दिया गया और अलग अलग बाउल में पत्तियां रखी गई। ये पत्तियां जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि आप अपने हिसाब से आपको जो पत्ती समझ में आती है वो आप डालिए, गर्म पानी में हिलाइए, और जितना आपको चीनी चाहिए वो अपने हिसाब से मिलाइए और आप पीजिए। वो चाय मैंने पी पिछले 4 दिन और मुझे कहीं से भी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर मैंने उनसे बात की, मैंने कहा भाई ऐसा क्या है कि ये पत्ती आप दे रहे हो? तो उन्होंने ये बताया कि चाय पत्ती का मतलब ये होता है जो यहाँ पे 2,000 रुपये किलो मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है 250, 300, 500 रुपये किलो मिलती है और लोग उसी में खुश रहते हैं। तो वो जो दाने आपके घर पे आते हैं ना, वो केमिकल प्रोसेस से तैयार करके आते हैं, इसके वजह से वो नुकसान करता है। अगर ये पत्तियाँ आप, इन पत्तियों का आप चाय बना के पिए तो ये बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आप हमेशा इधर तो आएंगे नहीं, कभी कभी आएंगे ले जाएंगे। अगर मैं ही यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ से ले जाऊँगा तो महीने भर चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो ये जो चाय का बगान आप देख रहे हैं, यहीं से आपके घर में चाय पत्ती नामक राष्ट्रीय नशा है वो आपके यहाँ पहुँचता है। आप मेरे पीछे देख भी रहे हैं, ये बहुत सारे लोग छाता लेके काम कर रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इनके महीने की दिहाड़ी कितनी है, मात्र 250 रुपये। 250 रुपये में ये पत्तियाँ तोड़ते हैं और ये पत्तियाँ फिर फैक्ट्री वाले आते हैं, लेते हैं और अपने हिसाब से उसको प्रोसेस से सुखा के तैयार करते हैं और आपके घर तक पहुंचाते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार बगान है। अगर आप कभी इधर आएँ तो यहाँ की पत्तियों के साथ, अगर आप कभी यहाँ आएँ तो यहाँ की पत्तियों का ताज़ा चाय पिए तो आपको लगेगा कि चाय क्या होता है। लोग बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत के बाद फिर आपके घर पर वो चाय पहुँचता है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा बगान और मेहनत करते हुए लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।